कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मायराज मॉम लाइफ स्टाइल में। आज का व्लॉग इस प्रकार है, मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने बाथ ले लिया है एंड मेरा घर का काम कुछ भी नहीं हुआ है फिनिश, बिकॉज आपको पता है घर में काफ़ी दिन से विंटर्स ख़त्म हो गए लेकिन हमारे घर में से जो नेगेटिविटी है ना वो नहीं जा रही है। सच में यार पता नहीं क्या, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार चल ही रहा है। एंड अब मायरा को अभी तो ठीक हुई थी काफ़ी दिनों से एंड अब उसको चिकन पॉक्स हो गया है, तो उसको डॉक्टर को चेकअप के लिए जा रही हैं, देखते हैं क्या रहता है। सो लेट्स गो, आज का व्लॉग कुछ इसी टाइप से स्टार्ट हो रहा है, सो बने रहें लास्ट तक, देखते हैं क्या रहता है। वॉच टिल एंड एंड बाय बाय। आ रही हूँ हॉस्पिटल मायरा बेबी को लेके। ये देखो मेरा मायरा बेबी ठीक ही नहीं हो रहा। क्या हो गया मेरे बच्चों आपको? चिकन पॉक्स हो गया है मेरी बेबी को। कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना? गेट वेल सून, है ना? सो लेट्स गो, चलो चलते हैं। काफ़ी दिन से देखो मेरा ना ऐसे ही लग रहा था, अब मैंने क्लीन किया लेकिन फिर दोबारा से ऐसे ही हो गया, लग नहीं रहा क्लीन किया हुआ। कल किया था, आज फिर आके करती हूँ, अभी तो क्लीनिंग वगैरह बाकी है। सो लेट्स गो, चलो चलते हैं ना। अब चेंज होने लग गए हैं, जैसे विंटर्स तो चली गई है ऐसे लग रहा है बिल्कुल ही, और दिन में तो ऐसे लगता है जैसे गर्मियों में दिन में दोपहर सी होती है ना, उस टाइप से मतलब मौसम होने लग गया। एंड थोड़ा आलस टाइप मतलब कि लेजीनेस रहने लगी। सो पता नहीं कैसा मौसम हो गया, चेंज होने लग गया ना। और इस टाइम पे ही ज़्यादातर हम सोचते हैं कि विंटर्स चले गए हैं, बट ऐसा नहीं रहता कि जो सुबह शाम की ठंड होती है ना यही बीमार करके जाती है, और ऐसा ही रहता है। तो बच के रहें, अपने को सेफ रखें, घर पे रहें, और अगर हॉस्पिटल भगवान करे ना ही जाना पड़े किसी को, अदरवाइज अगर जाना भी पड़े तो मास्क ज़रूर लगा के जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है। खांसी जुखाम तो सभी को, फीवर सभी को, हमारे घर में सभी बच्चों को फीवर, पता नहीं क्या, आई डोंट नो क्या हुआ है। सो लेट्स गो, चलो चलते हैं हॉस्पिटल, मायरा बेबी को लेके जाते हैं एंड देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं। चेक आने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने लगा लिया है मास्क, लेट्स गो, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। डॉक्टर के पास से मायरा बेबी का चेकअप करवा के, एंड अभी तो मेडिसिन चलेगी काफ़ी दिन। सो और वैसे ठीक है, चिकन पॉक्स तो है ही जैसे कि आपको मैंने बताया था। सो करवाए हैं हम चेकअप, अब मैं फटाफट लगती हूँ काम के। धूप हो गई है बहुत ज़्यादा, अब तो धूप ऐसे अच्छी सी नहीं लगती, गर्मियों में जैसे होने होता था ऐसी अच्छी नहीं लगती जैसे गर्मियों में नहीं अच्छी लगती थी। सो लगते हैं फटाफट काम के। पूरी किचन मेरी बिखरी हुई है, रूम भी बिखरा हुआ, मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। पहले हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर के पास जाके आए, चेकअप करवा के आए मायरा बेबी का। सो अब मैं करती हूँ फटाफट। देखो किचन देखो पूरी बिखरी हुई है, पूरी की पूरी, और बर्तनों की सिंक भरी पड़ी है। सो बिकॉज ब्रेकफास्ट वगैरह तो मैंने बना लिया था, कर लिया था। सो चलो करते हैं काम, देखते हैं क्या रहते हैं। ओके बाय। मैंने आपको बताया था बर्तन पड़े हैं, और ये देखो पूरी किचन मेरी बिखरी पड़ी है। ये देखिएगा, मैंने बनाया था आज मटर पनीर जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। एंड सो चलो मायरा बेबी को देते हैं, कुछ चीकू काट के दे देती हूँ मैं उसको, उसको फ्रूट्स खिलाने ज़रूरी है, अदरवाइज़ वीकनेस जल्दी आती है बच्चों में तो वैसे ही। सो मैं उसको चीकू कट करके देती हूँ और फटाफट लगती हूँ काम की। देखिएगा गाइस, मैंने लगवाया था ये पौधा,
मतलब अमरूद का पौधा है, अब देखते हैं कितना ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, कामयाब होगा नहीं होगा। उसको बोला तो अगर ग्रो नहीं हुआ ना तो तेरे वापस दूंगी मैं। उससे लगवाया था जो आते हैं रेडी वाले, तो देखते हैं। मैंने कल लगवाया था, आज भी पानी दिए, कल भी पानी दिए, एंड ये देखो धूप भी लगती है इसको, धूप भी आती है यहाँ पे काफ़ी देर। देखते हैं कितना ग्रो कर पाता है। गाइस सारा रूम भी मेरा बिखरा पड़ा है, ब्लैंकेट को बाहर डालती हूँ मैं धूप में, और ये देखिएगा सब कुछ बिखरा पड़ा है, थैस नैस हुआ पड़ा है, सब मैसी मैसी। सो फटाफट हम करते हैं। और ये देखो शोना बेबी के डंबल, करो जिम करो जिम। शोना की मासी ने दी थी शोना को। सो लेट्स को फटाफट लगते हैं काम के, करती हूँ कपड़े चेंज, उसके बाद मैं काम लगती हूँ, बिकॉज इन कपड़ों में मुझसे काम नहीं होगा। फटाफट काम हो जाता है, लेकिन जो घर के अलग ही वो होते हैं ना, उनमें मतलब कंफर्टेबल रहता है बंदा, उसी में अच्छे से फटाफट काम कर पाता है। सिर्फ मुझे लोवर चेंज करना है और कुछ नहीं। सो मैं लोवर चेंज करके और फटाफट करती हूँ काम। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, मैं उस दिन फुटवेयर्स लेके आई थी, उसके साथ में शूज़ भी लेके आई थी, लॉन्ग बूट जिसको बोलते हैं। काफ़ी दिन से था मुझे लॉन्ग बूट लेके आने, लॉन्ग बूट, और पूरा विंटर्स निकल गया, अब जाके मुझे लेने हैं। अब की बार तो वैसे भी डाले जाएंगे, नेक्स्ट विंटर में ही डलेंगे। ये देखिए मैं आपको अच्छे से नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट विंटर में डाल के ही दिखाऊंगी। सो ये देखिएगा मैंने अलमारी के ऊपर रखे हुए हैं, देखिएगा इसमें है मेरे लॉन्ग बूट। सो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आपको क्रॉक्स दिखाए ना, क्रॉक्स लेके आई थी मैं ग्रीन वाले, उस क्रॉक्स के साथ ही मैं ये लॉन्ग बूट लेके आई थी, और ये भी ग्रीन ही कलर की है, डार्क ये जो जैकेट का कलर है ना ग्रीन, इस टाइप से है। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं डालूंगी, अब तो डालेंगे यानी विंटर्स में ही डालते हैं, तो जब भी मैं डालूंगी तो आपको जरूर शो करूंगी, और आप बताना कैसे लग रहे हैं। और मेरे ब्लॉग को यार पूरा देख के जाया करो, लाइक किया करो, कमेंट में कुछ बताया करो, कुछ गलती है क्या नहीं, सब कुछ मुझे बता के जाया करो, और मेरे ब्लॉग को शेयर भी कर दिया करो यार प्लीज़ हैं। और अगर कुछ मिस्टेक हो तो बता दिया करो, डोंट केयर, है ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं अच्छे से उसको ध्यान लगा के ग्रो करूँगी उस चीज़ को, मतलब कि अच्छे से, फिर जब भी तो मेरा ब्लॉग अच्छे से हो बन पाएगा। अगर तुम गलतियाँ बताओगे कि ये कर रहे हो इस वजह से व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहा भाई, ये मिस्टेक है, तो मैं उसको सुधारूंगी। ओके बाय। मेरा काम हो चुका है सारा फिनिश, मैंने कर लिया है सब किचन विचन का और सब कुछ काम, और अब होने लगी है शाम। विंटर्स में शाम नहीं होती ना, गर्मियों में होती है, और गर्मियों की शाम बहुत अच्छी लगती है ना। शाम हो चुकी है और अच्छा लगता है इस टाइम पे आके, है ना, मतलब शाम में, इवनिंग में, इवनिंग टाइम एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, है ना। सर्दियों में तो होती नहीं, सीधी रात होती है, बस सो जाओ, खाओ पियो, ऐश करो, सो जाओ, और अब की बार तो ऐश भी नहीं हुई। सो लेट्स गो, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, जो भी, और चलो चलते हैं न्यू घर में, चल के देखते हैं क्या हुआ है, क्या काम चल रहा है, क्या नहीं हुआ है। ओके चलो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो मेरे साथ, बाय बाय। देखिएगा गाइस बाहर तो टाइल वगैरह लग गई है, बाहर का काम तो हो गया है, अंदर चलते हैं। एंड लुक, ये है दरवाजा लग चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब करके जाएं। बाय बाय।